का कि गम जो है ये तो रूहानियत की सीढ़ी है, और गम इस रूहानियत की सीढ़ी पे चढ़ के इंसान का जो है वो दिल नरम होता है, फिर वो दूसरों का गम फील करता है और फिर वो दूसरों के लिए कुछ करता है। अदरवाइज तो इंसान मज़े में है ना, उसको कुछ आ ही नहीं रहा तो फिर ना उससे कोई काम होगा ना वो अल्लाह के लिए कुछ करेगा। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, देखिए इमरान खान साहब की वालदा को गम, अगर वो गम ना आता कैंसर वाला तो शौकत खानम तो आज ना होता ना। कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं शौकत खानम से, तो एक गम ने देखें उन्हें क्या करने में मजबूर कर दिया। इसी तरह कई लोगों की आप स्टोरीज़ पढ़ेंगे कि एक गम ने उनको पता नहीं कितना बड़ा जो है वो अजीम एक लीडर बना दिया या एक बहुत बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट बना दिया, क्योंकि वो उस गम से गुजरे थे। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गम आया, नबियों को भी गम आया है। लेकिन ये कि दूसरा लेसन ये है कि हर अंधेर के बाद सुबह है।